हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 8 भाई। आज हम आ गए लोडिंग के लिए जुब्बल। तो जुब्बल से करेंगे लोड हम बद्दी के लिए। बद्दी या नालागढ़ हो गया बरोटी वाला, तो अभी आए हुए यहाँ जुब्बल में मार्केट में। तो यहाँ पर है वो दोस्तों बहुत तगड़ी ठंड। तो बाकी पिछला ब्लॉग हमने रास्ते में एंड कर दिया था, अनलोडिंग का हमने बनाया नहीं ब्लॉग, उसके लिए सॉरी। क्योंकि यार हम पूरी नाइट लगी थी दोनों भाइयों की। तो यहाँ पे आए हम, रास्ता तिरपाल खोला और मज़े से गए सो भाई। तो जब तक गाड़ी खाली होती रही तब तक हम मज़े से सो गए। दिन में 12 बजे तक हो गई थी अनलोड। बाकी 2 दिन लग जाते हैं हमारे जैसे ठिकाने पे जाते, पर यहाँ पे लाला जी ने अपनी पिकअप में अपने टेम्पो में डाल दिया माल, तो इसलिए यहीं पे हो गया एक जगह अनलोड। तो फिर आज है दूसरा दिन, तो आज आए हुए लोडिंग के लिए। आज मिल गया हमारे को यहाँ से सेटरिंग का सामान। तो यहाँ पे जुब्बल का ब्रिज है ना, पुल बनाया दोस्तों, तो अब पुल कम्प्लीट हो गया है। तो अब जाएंगे लेके बद्दी को वापस, तो कराते हैं लोडिंग, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। उतने पी लेते हैं दोस्तों चाय अब, क्योंकि मार्केट भी खुल गई है तो चाय बनती है ना। एक थोड़ी थोड़ी ठंड भी है यार, बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है यार, दोस्तों क्या करें। ये रही दोस्तों अपनी जुब्बल मार्केट बाजार, और यहाँ पर आए हुए हम ट्रक लोडिंग के लिए। लगा रखा ट्रक और ये माल जाएगा सकरैप लोहा बद्दी के लिए। तो दोस्तों यहाँ से करनी है अपने को लोड। ये जो हमारे डाले के पीछे लगी ना पिकअप, ये हटी नहीं यार, ये बंदा आया नहीं। तो अब गाड़ी मोड़ के लगाएंगे यार। तो भाई साहब जा रहे हैं अब गाड़ी मोड़ने के लिए। चले भाई साहब गड्डी मोड़ने, अब ऐसे ही ठीक लगनी थी हमारी गाड़ी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, भागो मोड़ के ले आओ। सुबह सुबह गाड़ी ठंड है, देखो धुआं भी निकाल रही है यार। ये देखो कितना धुआं निकाल रही है, अभी ठंड है ना दोस्तों, अभी गाड़ी गर्म नहीं है। तो इसी करके तो ये है कार पार्किंग जुब्बल की। तो यहाँ पे आगे बनाया इन्होंने पुल, तो उसकी सेटरिंग है दोस्तों ये। कहाँ पे मोड़ रहे है, ये पुल में मोड़ लेते, पार्किंग में घुसा देंगे अंदर, क्या यहीं से मोड़ेंगे धीरे धीरे। तो उस दिन अनलोड करते करते बारिश हो गई थी, तो ये तिरपाल डाल रखी हमने टेम्परेली, तो बेल्ट लगाई हमने बेल्टों से, उससे बढ़िया हो जाता काम। सवेरे सवेरे दिमाग नहीं काम कर रहा भाई साहब का, करे क्या, क्या बोल लिया इनको। ये पुल बना दोस्तों जुब्बल करना यहाँ, अरे आगे जाना ना पुल में। हम मोड़ के ले आओ मजे से, अब आगे चले गए कहीं। तो ये पुल बना था दोस्तों, तो उसकी सेटरिंग लेके जा रहे हैं हम। ये पुल हो गया काम, रोहित ठाकुर जी हमारे, श्री रोहित ठाकुर जी मान्य मुख्य सदस्य, इन्होंने बनवाया, इन्होंने उद्घाटन करा भाई। ये तो मेरे को लगता है परे जुब्बल बाजार में ही चले गए, बस स्टैंड में गाड़ी मोड़ने यहाँ नहीं मुड़ी इनसे भाई, क्या ही बोले दोस्तों। पहले पुराना पुल वो है दोस्तों, बहुत तंग था यार, गाड़ी भी नहीं मुड़ती थी उधर। सुंडली खड्डू पुल जुब्बल, वो आगे नीचे से गाड़ी मोड़ के बस स्टैंड साथ में है दोस्तों जुब्बल का बस स्टैंड, तो वहाँ से लेके आए मोड़ के भाई। तो दोस्तों गाड़ी घुमा ली है, मोड़ के लगा देंगे भाई साहब, मैं जा रहा हूँ परे को। और यहाँ पे ना नाले में धूप भी नहीं है यार, ठंड बहुत है भाई, बहुत तगड़ी वाली ठंड है। तो गाड़ी लगाएंगे और अंदर रजाई में जाएंगे, लुक भाई क्या करे। और तो चाय वाला भाई आ गया होगा, तो पीते चाय यार मज़े से, फिर ठंड दूर होगी अपनी। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी मोड़ के लगा दी यहाँ पर, अभी ये 2 पिकअप हटेगी फिर लगेगी गाड़ी। तो मेन अपनी ये स्पेसिफिक पिकअप है ना, ये हट जाए फिर तो बात बन जाए। अब उधर से यहीं पर लोड करवाएंगे तो दूर पड़ जाएगा, ये पिकअप हट जाए तो बेस्ट थी। बाकी इस पिकअप वाले को कर रखा फ़ोन भाई, ये दुकान है दोस्तों जो जिसका हम परचून लेके आए थे उस दिन सामने हरी बिल्डिंग, ये लेके जाएंगे अब हम। अब लगाएंगे दोस्तों पिकअप हट गई यहाँ से, तो यहाँ पे लगाएंगे लोडिंग के लिए अब गाड़ी। चलो चलो चलो, जान दो और जान दो और आन दो थोड़ा सा। चलो जी, तो ये अपने लेबर वाले भाई साहब है उधर के, जहाँ पे हम होली में फंसे हुए थे, किशनगंज के भाई साहब। हम खोलते हैं दोस्तों डाला डुला। तो दोस्तों गाड़ी लगा दी है पॉइंट में लोडिंग के लिए, और सुबह के होने लगते हैं 9:30।
तो अब जा रहे हैं दोस्तों ब्रेकफास्ट करने। तो भाई साहब घुमा रहे हैं कार, तो ब्रेकफास्ट करके आते हैं, जितने लोड हो जाएगी गाड़ी तो नंबर दे दिया उनको, जाके पीछे करना होगा तो हम तुरंत आ जाएंगे इधर, उतने बजे आ ही जाएंगे जितने ब्रेकफास्ट करके आते उतने। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं 10, तो अपन आ गए हैं ब्रेकफास्ट करके। तो अभी लोडिंग चालू हो रखी है, दो ही बंदे तो थोड़ी सी कर रखी है उन्होंने प्लेटें लोड, बाकी आ गए यहाँ पे धूप का आनंद लेते हैं नज़ारे, धूप लगी हुई बढ़िया मस्त वाली। तो लोडिंग हो रखी है देखो चालू, दो ही आदमी हैं भाई, दो ही बंदे करेंगे लोड, मुझे लग रहा है शाम तक ही कर देंगे लोड, क्योंकि दो बंदे तो टाइम तो लगेगा, चार बंदे हो फिर तो अलग बात होती। ये देखो भाई सेटरिंग लोड हो रही है, खुश से बंदा। तो दोस्तों लोडिंग अपनी हो गई है कंप्लीट और रात के बज गए 8, भाई पूरा दिन लगा दिया, 7 बजे तक उन्होंने लोड करी थी गाड़ी, तो खाने पीना खा के चल पड़े, अब हम जुब्बल से निकल पड़े हैं, चले गए धीरे धीरे। और रात को सुनसान हुआ पे रोड, एक पिकअप आई है, पहली पिकअप मिली हमें एक इस रोड की, ये पहुंच गए दोस्तों भगोली नाला, और ये भगोली नाले का होटल यहाँ पर सुनसान होता हुआ दोस्तों, सीजन में तो यहाँ पर ट्रक ही ट्रक रहते हैं इस पॉइंट पर खड़े, आजकल सर्दी का टाइम है तो सब अपने घर को चले जाते हैं होटल बंद करके टाइम से। तो हेलो दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 10 और हम पहुंच गए बरोटीवाला, बरोटीवाला से आए हम इधर जो परमाणु रोड पड़े, तो इस पर भाई ये पुल बन रहा है, देखो ये पुल है ना ये टूट गया है तो इसको बनाएंगे। तो उतने देर सोचा टाइम पास तो कुछ है नहीं यहाँ पर करने को, ना यहाँ पर चाय ना पानी कुछ नहीं, जंगलों में आए हुए, तो यहाँ पर छोटी सी नदी बह रही है दोस्तों, तो यहाँ पर सोच रहे कि नहा लेते हैं, तो भाई साहब वो नहा रहे ऊपर, फिर यहाँ से खाली करके निकलेंगे आगे को, तो उतने देर नहा लेते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोग से। स्नान कर रहे हैं, मैं भी नहा रहा हूँ, हम भी नहा रहे हैं, नहा रहे हम भाई, तुम्हारे से थोड़ी गंदे आदमी, ये भी मेरे लिए आया तुम्हारे को नहाने के लिए यहाँ, भाई साहब ने तो भाई हिम्मत कर ली ठंडे पानी से नहाने की, अब हम नहाएंगे यहाँ पर स्नान बस्ती, ठंडा बहुत है दोस्तों पानी आ रहा है, पता नहीं किधर से आ रहा होगा पहाड़ से, ये देखो छोटी सी नदी आ रही है, ये हो गया ब्रांडेड चप्पल क्या करता है, फ्लीट का तो है, गिना मन्ना खुट्टा ना आले चप्पल नहीं गिना मन्ना भाई, 10 दिन से नहाए नहीं, अब देखो मेल खुरका खुरका के निकाल रहे हैं दोस्तों, देखो क्या करें ऊपर को ठंड में मेल नहीं निकलता है, भागो भागो खिंच के आएगी गड्डी, अच्छा मूवी बन रही है, खिंच के लाना पड़ेगा ना, चलो 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 काट दो, चलो चलो चलो, रुक जाओ इधर गए थे दोस्तों नाले में खल्ले करने, चलो 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 चलो, चलो चलो सिद्धि करो सिद्धि, चढ़ा दिया पत्थरी, जान दो जान दो, इधर करके आए दोस्तों नीचे खाली जहाँ पे ये मशीन खड़ी है, तो इधर पार्क के लिए पुल बनेगा यहाँ पर, तो आए हुए थे इधर खाली करने के लिए, ये पता नहीं कौन से गांव को गया दोस्तों पार को, ये आ गए दोस्तों मेन रोड पर, ये इधर को चले गया ब्रोटी वाला बद्दी नालागढ़ के लिए, और इधर को चले गया ये सीधा निकल जाएगा परमाणु दोस्तों, परमाणु निकल जाएगा इधर से घूम घूम के इधर को, फिर इधर को निकल जाएगा, तब जा रहे हम ब्रोटी वाला की ओर, तो गाड़ी पर लगी है इधर, तो मैं नीचे से पैदल ही आ गया दोस्तों,
तो दोस्तों यहाँ पे है धूप, तो अब रात लगी पूरी, तो अब यहाँ पे लगाएंगे छाँव में और यहीं जाएंगे सो दोस्तों, क्योंकि अपलोडिंग तो सवेरे ही होगी अपनी गाड़ी, तो इसीलिए यहाँ पे चारों तरफ जंगल है ना, तो इसीलिए यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो यहीं जाएंगे सो। और बद्दी गए, नालागढ़ गए, तो गर्मी बहुत है दोस्तों, तो इसी बड़े यहीं पर नींद पूरी करते, दिन भर क्या करेंगे, तो ऐसे यहाँ से सवेरे जाएंगे। जान दो चढ़ा दी भाई साहब ने ऊपर ही, बस ठीक है। तो आसपास पास दोस्तों जंगल है इधर बढ़िया, तो खाना हम घर से लेके आए थे तो खा लिया है, बाकी कोई टेंशन नहीं। तो दोस्तों गाड़ी लगा ली है साइड में, तो यहाँ छोटी सी दुकान थी, यहाँ से ले आया मैं अपने लिए स्टिंग, तो स्टिंग पीते हैं और जाते हैं मजे से सो दोस्तों, बाहर को दुकान है उधर। अरे ठंडा तो नहीं पीना है, स्टिंग पीना। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो दोस्तों सो के उठ पड़े और चल पड़े हम मजे से, और शाम के बज गए हैं पूरे 5। फुल गर्मी हो रखी है अभी भी यहाँ पे, फुल गर्मी है दोस्तों अभी भी। तो देखो पूरा 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 रोड है दोस्तों, ये गाड़ी लाइक रोटी वाला दोस्तों 8 किलोमीटर है। तो दोस्तों शरीर को ऊपर ठंड की आदत हो चुकी है, यहाँ पर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है दोस्तों, तो इसीलिए हम यहीं पे पहाड़ों में सो गए थे दोस्तों, फिर भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, और रोड में थोड़े खटे खटे हो रखे, और देख सकते हो दोस्तों जंगल, घने जंगल है इधर को, केसू वाले जंगल है, इसको बोलते हैं केसू, तो ये हरे हरे केसू बोलते हैं उसको। और दोस्तों पीछे को बरोटी वाला दिखाई देने लगा, और साथ में GMP कंपनी, पर अभी सूरज की किरणें तेज है तो इसलिए दिख नहीं रहा है दोस्तों, अभी धूप बड़ी तेज है दोस्तों, इसलिए नीचे को काला दिखाई दे रहा है। ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा खेर का जंगल है, देखो ये खेर ही खेर है दोस्तों इधर, तो मुझे लग रहा है इधर काफी टाइम से कटान नहीं हुआ है खेर का, तो खेर ही खेर हो रखे इधर, पर अभी कटान लायक हुए नहीं है खेर, है ना। और ये रही दोस्तों GMP कंपनी, काफी बड़ी कंपनी है ये बरोटी वाला में, देख सकते हैं लोग काफी बड़े क्षेत्रफल में फैली हुई है कंपनी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखो। और सामने दोस्तों बरोटी वाला दिखाई देने लग गया है, और ये भाई देखो मेहनत करते हुए भक्ति के लिए, अभी जैसे ये हो ना तो पुल जैसा आएगा, पुल टपेंगे आप चढ़ाई लगेगी हल्की सी। थैंक यू ड्राइवर। हाँ फिर उसके 4 नंबर कार ने खड़े होने, 14 टायर भी, 10 टायर, 12 टायर भी, वहाँ से भी चिपाना हमने ये रही दोस्तों GMP नजदीक से, ये गेट रहा देखो, कार मोटरसाइकिल खड़े हुए पार्किंग के लिए, ये रहा दोस्तों तालाब, और सामने मंदिर, जय भोलेनाथ।
ये आ गया दोस्तों कालका रोड। तो यहाँ से आए थे सुबह हम, ये चलेगा दोस्तों सीधा कालका को चित्तारा यूनिवर्सिटी होते हुए। तो सुबह हम रात को आकर यहाँ सो गए थे इस पॉइंट पर। तो और दोस्त हमने सुबह से लेकर चाय भी नहीं पी है, कल दिन में पी थी हमने चाय। तो यहाँ पे आके सो गए थे हम इस चौक पर। तो ये देखो, ये देखो कालका परमाणु का बोर्ड लगा, देखो कालका नाली गुणाई गुणाई रोड पर गए थे दोस्तों हम। ये देखो यहाँ से किस तरह से बना हुआ, देखो यू टर्न। और ये चले गया बरोटी वाला की ओर, ये सीधा। तो यहाँ पे कर रहे थे वर्मा जी का इंतजार और वर्मा जी पहुँच गए। और आगे से आगे देखो बस जीएमपी कंपनी से आई है दोस्तों ये बस। ये देखो यहाँ से चले जाएगी ये सीधे पंचकूले की ओर। वो आ गए हमारे 17 भाई वाले पंडित जी, वर्मा जी पंडित जी। वर्मा जी तो आज मानते नहीं है, लाल हो रखे वर्मा जी आज चंबे वाले। दिखाना जरा अब। तो दोस्तों यहाँ से दिखाएंगे आपको आज पूरा बरोटी वाला एरिया। तो हम भी काफी टाइम बाद आए हम, और आप लोग ने ब्लॉग में देखा नहीं होगा ये इलाका, तो सोच रहा हूँ आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ का व्यू चेक करो, देखो कबड्डी खेल रहे नीचे बंदे बच्चे। कांग्रेस ले आओ हिमाचल बचाओ, ये देखो कांग्रेस को ले आओ हिमाचल को बचाओ। आम आदमी पार्टी भी दोस्तों यहाँ से आपको फास्ट रोड में ले चलते हैं आपको। दोस्तों टेम्पो यूनियन 407 यूनियन की रोटी वाला, ये देख सकते कितने सारे टेम्पो टेम्पो है फोर व्हीलर। ये 407 यूनियन को सही। ये पहुंच गए दोस्तों हम मेन मार्केट में बरोटी वाला की। और ये तेरे को टेम्पू टेम्पू दिख रहे हैं दोस्तों 407। आगे आ जाएगा दोस्तों हरिपुर पट्टा रोड, जो बाया सुबह 2 होते हैं सोलन को निकल जाता है दोस्तों।
ये आ गया इंटरनल पेट्रोल पंप, एचपी का पंप। ये यहाँ पर लगती है दोस्तों सब्जी मंडी। ये देखो नीचे वो मंडी लगी हुई है सब्जियों की, फ्रूट की। और ये चले गया ऊपर को हरिपुर के लिए रोड दोस्तों। लकड़ लेकर हम इसी इधर से चलते हैं, मंडी हमारी इसी रोड से होती है लकड़ों की। जा सकते हैं आप यूनियन के लिए, ये ट्रक यूनियन के लिए भी चले गया दोस्तों एक गली। यहीं साथ में नीचे को पार्किंग है बरोटी वाला ट्रक यूनियन। और सामने आ गया दोस्तों ये हरिपुर वाले बाबे का गेट। और ये आ गया दोस्तों बरोटी वाला बेरियल, सामने दिखाई दे रहा है बॉर्डर, साथ में हरियाणा लग जाता है फिर। तो ये ट्रक आया दोस्तों यूनियन की ओर से, ये चले गया देखो बरोटी वाले यूनियन के लिए। ये देखो गाड़ियां कट के आ रही है, देखो ट्रक आ रहे हैं। और ये मुड़ के हम पद्दी नालागढ़ वाले रोड पर दोस्तों बरोटी वाला से। अब यहाँ से आगे उछारी इंडस्ट्री एरिया है दोस्तों। अब आपको ट्रक की ट्रक दिखाई देंगे। ट्रक तो आ रहे भी आ रहा, इधर को नॉन ट्री नहीं मेरे को लगता है इस रोड पर है। और इस टाइम देख सकते दोस्तों फुल ट्रैफिक है, छुट्टी का टाइम है अभी 5:30-6 बजने, तो इसलिए ट्रैफिक ज्यादा है। देखो कारे चली भी, सब कंपनी से छुट्टी करके चल पड़े अपने रूम के लिए, इसलिए लग जाता है थोड़ा बहुत जाम दोस्तों सुबह शाम। और इधर को अंदर को है दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी, काफी बड़ी कंपनी है दोस्तों, जिधर को ये टैंकर गया है अंदर को है। ये देखो कितने बड़े बड़े जनरेटर लेके रखे हुए इधर। पहुंच गए दोस्तों हम बद्दी, और ये आ गया हमारा पुरानी यूनियन का पार्किंग दोस्तों। तो पहले इधर होती थी बद्दी की यूनियन। और मनीष भाई की गाड़ी खड़ी है नीचे 70-11 हो देखिए। और शाम का टाइम पूरा जाम इस टाइम लगा हुआ है यहाँ पर देखो बद्दी में। और ये आ गया बद्दी का चौक, और यहाँ से चले गए ये पिंजौर के लिए दोस्तों, पिंजौर हाईवे। और यहाँ से हो गया अब हम नालागढ़ की ओर, नालागढ़ पिंजौर हाईवे में हम तैयार हो गए हैं चलने के लिए। साथ में आ जाएगा बद्दी बस स्टैंड, और उसके बाद साथ में आ जाएगा हम ट्रक इंजन बद्दी। ट्रकों के लिए पार्किंग बनी इधर, अब जब तक रोड चौड़ा नहीं होता ट्रक लगा लें, लोगों ने मजे ले लिए। ये देखो पार्किंग ही पार्किंग बना दी है जगह जगह, कितने सारे ट्रक लगे हुए हैं। ये आ गया दोस्तों बद्दी बस स्टैंड, ये भी पट दिया है, चौड़ा हो जाएगा रोड, ये इसका 4 लाइन बनना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जाम ही बहुत लगता है इधर, तो रोड खुला कर रहे हैं। जाएगा पार्किंग के लिए भाई, इंडिकेटर लगा दिया ट्रक वाले ने क्योंकि नीचे पार्किंग है ट्रक यूनियन। और ये रहा देखो ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़ बद्दी, ये रहा देखो ऑफिस, यहाँ पे होती है डिमांड। ठीक है नीचे को पार्किंग के लिए कतरिक्की खड़ी है भाई यहाँ पर। और
और ये ऊपर को चलेगा राइट साइड को साई रोड बत्ती पार्किंग। और यहाँ पे आ गया ऊपर को दोस्तों मोहन का ढाबा। 5 बजे के बाद मोहन के ढाबे में महफिल लग जाती है, पार्टी शार्टी करते हैं बंदे। देखो जगह ही नहीं है तो रोड में भी खड़ी करनी पड़ जाती है गाड़ियां। देखो ये भी जगह पूरी पार्किंग बन गई है दोस्तों। अब इधर भी ट्रक के ट्रक लगे हुए हैं, ज्यादा तो कंटेनर और एसी बत्ती फुटे लगे हुए हैं यहाँ पर। ये देख सकते हैं लोग, और ये आ गया है गुरुद्वारा। जय बाबे जी। और ये पहुंच गए हम दोस्तों भुज बेरियल। आगे चलिए हमारे राजपूत बस सर्विस खेड़ा खेड़ा। शाम के टाइम पूरी मार्केट भरी हुई है दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग ट्रैफिक ट्रैफिक पब्लिक ही पब्लिक, सब छुट्टी करके चले हुए हैं घर को, और कार वाले भी जा रहे हैं घर को। और ये पहुंच गए हम दोस्तों गुड मार्केट। तो यहाँ से हम हो जाएंगे राइट टर्न इंडस्ट्री एरिया के लिए, तो आज यहीं पर रुकेंगे हम दोस्तों। ये आ गया टेम्पो ट्रैवलर, कितना लंबा है टेम्पो ट्रैवलर, ये भी लंबे रहने लगे अब गाड़ियां हैं। यही वाला है रुकेगा, ये तो बहुत लंबा है। तो यहाँ से ले लेंगे दोस्तों हम राइट टर्न। फुल ट्रैफिक है भाई, जाने नहीं देंगे हमारे को। तो गर्मियां स्टार्ट होगी तो दोस्तों देख सकते आइसक्रीम वाले भी आ गए अब। तो यहाँ से दोस्तों ऊपर को हो जाता है इंडस्ट्री एरिया शुरू भुट का, तो उधर जा रहे हैं, उधर वर्मा जी का रूम है तो वहीं पे रुकेंगे आज। ये देखो कणक के क्या हाल हो रखे धूल मिट्टी से दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर आ गई दोस्तों भुट की पिकअप यूनियन, देख सकते हैं पिकअप ही पिकअप लगी हुई है इधर। ये देखो भाई ये पिकअप इंजन की पार्किंग, तुम जाते रहे किधर को चले हुए अब क्या होगा। ओ चाचा चलो चाचा, ओ चाचा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वर्मा जी आते गए पीछे, वो ऊपर है यहाँ पे एलकेएम नहीं है। ये आ गए दोस्तों एलकेएम दवाइयों वाली कंपनी, तो यहीं पे लगा लेते हैं अब गाड़ी। ये आ गई जतिंद्रा बस सर्विस, तो चलो वर्मा जी आगे, वर्मा जी चल पड़े आगे अब। उस दिन तो वर्मा जी यहीं आया था अगली पार्किंग में। तो नई नई गाड़ियां आ रखी है दोस्तों नालागढ़ में, ये देख सकते हैं एच पी 12P बत्ती बत्ती 20 फुटी गाड़ी। तो इनका भी टाइम आने वाला है अभी, इन में हो जाएगा 10-16 टन, 10 टन और 16 टन तो बढ़िया हो जाएगा इनके लिए अभी बाहर जाने के लिए, नहीं तो ये वजन लोड पास ही नहीं करती है 11 टन दोस्तों। वो लगा दी वर्मा जी ने बाइक के पीछे, बोल वर्मा जी सिटी लगा देते यहाँ क्या था। चलो 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 सीधी करके जान दो, चलो चलो चलो। तो दोस्तों फाइनली अपनी गाड़ी हो गई है लोड, तो भाई साहब लगा रहे टेपिंग, यहाँ पे भी लगाना है।
तो इसमें पीली टेप लगा रहे हैं। तो पीली टेप हमने दोस्तों ये अपने आप लगाई, पहले इसमें ना सफ़ेद लाल थी, सफ़ेद और लाल था, तो हमने पीली लगा दी इसमें 3 mm। तो भाई साहब अपने आप ही लगे हुए अब, तो बाकी अब इसके बाद कारीगरी करने, ये देख सकते हैं आप लोग इधर है क्या, अच्छा लाल पीला, लाल पीला करना है। तो इसमें भी दोस्तों अब लाल पीला करेंगे, ये देखो पीला, इसमें अब लाल लगा देंगे बीच में, तो ये बिल्कुल यहाँ पे भी अब लाल पीला करेंगे। बाकी बताना दोस्तों कैसा लग रहा है अपना डल्ला, तो अभी कंप्लीट कर लेते हैं फिर दिखाएंगे आपको और से। तो ये कर रहे हैं दोस्तों टैपिंग, तो बताना आप लोग कैसा लगा, चलो फाइनल में लोग बताएंगे आपको। अभी देखो ये रंग बिरंगे टुट्टे से लगा रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसा लगा। और बिल कप देख रहे हैं हमारे, देखो ये बिल कप, इसमें भी 3 mm लगी है दोस्तों पूरी। तो बताना दोस्तों ये देखना, अभी इधर का रह गया थोड़ा सा, इसको करते हैं सेट। मैं बोलता भाली साइड से भी दे तो मजा आ जाए, अरे ये वाला चीज़ है यार, जब लाइट पड़ेगी यार चीज़ नहीं दिखता, नहीं नहीं जब दूर से लाइट पड़ेगी, जब तिरछा होगा कहीं खड़ी खड़ी जैसे बिल कप दिखता है वैसे करते हैं। पहले पीले का था, पहले साइड बोर्ड रहा, तुमने लाल का ठोक दिया, कोई चक्कर नहीं, कम है। लो जी दोस्तों फाइनली अपना डल्ला हो गया कंप्लीट, तो ये पीली टेप पे लगाई इसमें, बाकी इधर ये फलते भी बनवा लिए, देखो ये बताना आप लोग आगे भी देखो, तो ऐसे रात को लाइट बजेगी ना तो बढ़िया दिखेगा, देखो ये तो इधर भी लगा दिया भाई इस फलते में भी, ये देख सकते हैं हम आगे तक ही देखो। तो बताना कमेंट करके कि हमारी मेहनत रंग लाई कि नहीं लाई, बाकी इसको पुलिस पुलिस मार दिया हमने, हुमली बॉयज़ को देखो वो लिखाई पड़े हुमली ये बॉयज़, तो इधर भी लगा दिया दोस्तों हमने टेप पे, ये देखो ये आगे यहाँ पे